तो हमारे साथ है मिस्टर सुधांशु साहू जी है जो कि इस शॉप के ओनर है, और चलिए आइए हम उनसे जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में नेवर गिव अप इंडिया में आने के लिए। माय नेम इज सुधांशु साहू, बेसिकली आई एम फ्रॉम छतरपुर। थैंक यू सो मच आपको ये सब बताने के लिए आपके बारे में। मतलब आपने पढ़ाई किया और काफ़ी कम एज के हैं और आपने ये अजमेरा को सेलेक्ट किया, इस बिजनेस के बारे में आपको पता कैसे चला, कहाँ से पता चला? एक्चुअली सर हमारी फैमिली में सभी लोग बिजनेसमैन ही हैं। हाँ। तो मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं, हाँ। अनिल साहू, कपिल साहू जी। हाँ। तो उन्होंने मुझे, हाँ। बड़ी भैया ने आज्ञा दी कि उन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा कहीं ऐड वगैरह, उन्होंने बताया। इसके बाद हम लोग फैक्ट्री गए, विजिट किया, ओनर से मिले और वैरायटी को चेक किया। तो आपको क्या इस बिजनेस के बारे पता था, क्या जानकारी था कपड़े का लाइन जो? नहीं नहीं सर, हमारे लिए नया लाइन था। हाँ। क्योंकि हमारे जो बिजनेस है वो सब अलग है, डिफरेंट है। हाँ। ये हमारा नया बिजनेस था, नया लाइन थी। लेकिन अजमेरा के साथ सर जब मिले तो उसमें काफी कॉन्फिडेंट हुआ। हाँ। और वैरायटी बहुत अच्छा है। फैक्ट्री में कितने दिन आपने? एक्चुअली सर जो अजमेरा का स्टाफ है, एम्प्लॉई है, काफी डाउन टू अर्थ है, क्लियरली बात करते हैं, कोई झूठ बात नहीं करते हैं और झूठे प्रोमिसेस नहीं करते हैं, जो भी है रियलिटी बताते हैं। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद उनसे बात करने के बाद एक एक टोकन अमाउंट दिया उनको, इतना हम लोगों ने चेक नहीं किया। फिर वो आए, उन्होंने विजिट किया, उनको अच्छा लगा प्रॉपर्टी वगैरह, तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके विजिट किया और देखा और विजिट किया पूरा। मेरे मतलब मेरा वो था। उनके स्टाफ भी विजिट करते हैं एक बार करते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि वो सर्वे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्वे ही वो आपको प्रोडक्शन देते हैं, मतलब जो वैरायटी वो सेंड करते हैं, पहला ऑर्डर वो खुद ही लगाते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से। आपने ये लेने से पहले क्या कहीं और भी चेक किया था, मतलब कि और भी कोई ब्रांड हो, मतलब मैं ले लूँ, क्या अजमेरा पे ही आप गए? जी काफ़ी ब्रांड सर सूरत में देखा, लेकिन सूरत में सबसे बड़े किंग मार्केट में अगर कोई है तो अजमेरा ही है। अजय सर है, अजमेरा है जी। हमारे पास सर एक्चुअली 8-10 ब्रांड है, लेकिन 8-10 ब्रांड में अजमेरा सबसे दमदार ब्रांड है। पूरा ब्रांड की सेल एक तरफ और अजमेरा की सेल एक तरफ, इतना डिफरेंस है सेल में। एक ये साड़ी देखिए सर, ये सिल्क प्लस में है, ये 660 रुपीज़ का साड़ी है, ये आपको मार्केट में मिलेगा 1200 का। अच्छा, सीधा 50 का डिफरेंस रहता है सर। क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कस्टमर खुद आपको हमको बोलता है कि आपका सर जो प्राइस है वो बहुत अच्छा है, इस वजह से मेरा में सर यही अच्छा क्वालिटी है, कस्टमर खाली हाथ नहीं जाएगा। हाँ। आप जो प्राइस कहेंगे, जो चीज कहेंगे, वो इनके पास एज इट इज रहता है। और मार्केट में मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में छतरपुर में कोई इस रेट में कोई चीज़ दे ही नहीं सकता है। जो लहंगा मैं 1500 में दे रहा हूँ वो पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना डिफरेंस रहता है प्राइजेस में। ये सर पूरा किड्स सेक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे किड्स वियर रहता है। किड्स वियर में भी सर ये आपके पास टी शर्ट, ट्राउजर, बच्चों के जीरो बॉर्न बेबी साइज के, और वो हर महीने विजिट भी करते हैं। अच्छा। तो कस्टमर को लाने तक का अंदर का और उसको सेल कैसे करना है ये भी पूरा अजमेरा सिखाता है। अच्छा जी, प्राइस भी काफी अच्छा है। बहुत। आपकी मार्जिन कितना हो जाता है अप्रोक्स? सर मार्जिन डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है। हाँ। उसमें अराउंडेड मार्जिन, क्योंकि सर काफी जैसे फॉल हुआ उसका MRP 10 रुपीज है, अब वो आप सेल करोगे 15 का तो किसी प्रोडक्ट में आपको 2-3 रुपए ही मिलेंगे, और सपोज आप उसकी जगह कोई लहंगा सेल कर रहे हैं 25 के ओवर का MRP है, तो उसमें आपका 100% भी मार्जिन रहता है। अच्छा, तो मार्जिन जस्ट डबल रहता है, कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा। मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, अराउंडेड आप कह सकते हो 40-50% मार्जिन निकलता ही निकलता है। अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अदर ब्रांड्स में इतना मार्जिन नहीं मिल पाता है। हाँ। इसमें देते हैं, और इसमें सर इतना अच्छा काम रहता है अजमेरा का कि आपको ना तो ज़्यादा फोर्सली इसको सेल करने में पावर यूज़ करना होता है, ना इतना ध्यान देना होता है, चीज़ ही इतनी अच्छी होती है, कस्टमर खुद लेके जाता है और माउथ पब्लिसिटी करता है। आपको कहीं मार्केटिंग करनी जरूरत नहीं है, इतना माउथ पब्लिसिटी होती है, कस्टमर खुद आता है। मैंने तो अजय सर को देख कर फ्रेंचाइजी लिया था, काम को देख लिया। अजय सर जो कि अजय अजमेरा ओनर है जी, हमारी ओपनिंग में भी वो आए थे, बड़ा भाई मानता हूँ मैं उनको, वही मुझे छोटा भाई जैसे ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत डाउन टू अर्थ है, कोई पैसे का घमंड नहीं है और बहुत अच्छा नेचर है उनका, और उन्हीं को देख के मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। वरना सर अराउंडेड 5-6 लाख डिपॉजिट देना, फ्रेंचाइजीज फीस देना किस हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, हमारे लिए भी नहीं था, लेकिन सर से मिलने के बाद लगा कि नहीं जेन्युइन है,
चीज़ अच्छा है, जो ड्रीम वो दिखा रहे हैं वो ट्रू होंगे और लग भी रहा है हो रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने किया। तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों, जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, अजमेरा को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप उनके गुजरात में जो फैक्ट्री है वहाँ पे विजिट करिए और उनका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट ऑनर से ही आपको रूबरू करवा रहा हूँ। अजय सर, सर वहाँ के किंग हैं, सूरत के रघुकुल टेक्सटाइल में इनका सबसे बड़ा बिल्डिंग है। इतने सारे सेक्शन हैं सर, आप थक जाएंगे, सेक्शन खत्म नहीं होंगे। अबव 100 के ऊपर इनके सेक्शन हैं। सभी सेक्शन में अलग अलग वेराइटी है, बच्चों का, किड्स का, बड़ों का, छोटों का और लेडीज़ का। तो मैंने सारे विजिट किए हैं, खुद मैं वहाँ रुका हूँ, 5 दिन मैंने स्टे किया है, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था। और मैं अपने डिसीजन से बिल्कुल भी सर शर्मिंदा नहीं हूँ, पूरा सेटिस्फाई हूँ 100%। जो सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा है।